दोस्तों आज थोड़ी सी समस्या है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि आज का मौसम सब बेईमान टाइप का है। ठीक है, मौसम ही बेईमान हो गया है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के प्रश्न को शुरू किया जाए दोस्त। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग कमेंट करें कि बिल्कुल जो वीडियो है, पिक्चर है, वो बिल्कुल क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ताकि हम आगे प्रोसेस बढ़ाएं। ठीक है, चलिए हमें इंतजार है आप लोगों के कमेंट्स के। ठीक है जी, बिल्कुल विष्णुकांत और सोनूपाल जुड़ चुके हैं, दिव्या शुक्ला गुड इवनिंग, क्या बिल्कुल क्लियर है पिक्चर्स, थोड़ा सा बताएं फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आज थोड़ा सा मैंने बताया कि जो मौसम है बेईमान है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की तरफ कह रहा है, का नाम वंश के समान होता है, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब क्या कहलाता है। करा है बेसियोनिम कहलाता है, कि टाटोनिम कहलाता है, कि होमोनिम कहलाता है, कि सिनोनिम कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, राइट है पिक्चर जी, बिल्कुल चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा दोस्त, यह कहलाता है टाटोनिम। क्या कहलाता है, टाटोनिम कहलाता है। इसका भी राइट आंसर है, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह क्या कहलाता है, टाटोनिम कहलाता है। क्या कहलाता है, टाटोनिम। ठीक है, प्रियंका देवी, आर्यन खत्री, राइट है। क्या आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, प्रॉब्लम प्रीति अनुरागी, ठीक है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है इसको देखिए भाई, कह रहा है कि निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इनमें से केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि जीवाणु में, कि वायरस में, कवक में, कि एक्टिनोमाइसिटिस में, किसमें पाया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है चलिए देखते भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसके राइट आंसर को बताइए जरा, इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर होगा भाई वायरस, क्योंकि इसमें या तो डीएनए होता है अथवा आरएनए होता है, तो एक ही प्रकार का होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम तीन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या कर रहा है इसको देखिए भाई, तीन नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कर रहा है कि डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है किसने खोजा था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या है, तीन नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है इसका सही जवाब क्या है। कह रहा है ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, कि करा प्रोबिसर और ब्राउन ने, कि एवरी और मैक्लियोड, कि एम मैकार्टी ने, इसका सही उत्तर क्या है भाई। बिल्कुल सभी बायो वालों का मेरठ में सेंटर गया, हाँ आज एडमिट कार्ड जारी हो गया भाई। ठीक है, आज एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इन्होंने सही कहा, जो भी बायोलॉजी ग्रुप है, सभी लोगों का जो बायोलॉजी ग्रुप से है, आप लोगों का जो सेंटर है वो वास्तव में मेरठ में ही लगा हुआ है। ठीक है, मेरठ में ही है बायोलॉजी का सेंटर, ठीक है जीआईसी बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्त, इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ, ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है उसको भी देखिए, और आज मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करने वाला हूं, आज डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, आज क्वेश्चन की बात करेंगे और आंसर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य समानता क्या कहे जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य को समानता क्या कहा जाता है, आज का यह अगला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, ठीक है इसका राइट आंसर क्या है बताइए, आज मैं चेक कर रहा हूं कि देखिए आप फटाफट, यह भी बहुत जरूरी है चेक करना भी, ठीक है चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो इसको माइस्टिस वर्ग के सदस्य समानता कहे जाते हैं थैलीसैक, अर्थात सैक फंजाई, ठीक है क्या कहे जाते हैं, सैक फंजाई, इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांच नंबर का क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉपर्टी में प्रतिमास अर्थात क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज, ठीक है क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज
किन पौधों के समूह में आते हैं, किस पौधों के समूह में आते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। कह रहा है कवक में आते हैं कि सैवाल में आते हैं, कि सैक में आते हैं, कि माइकोप्लाज्मा में आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? पूजा वर्मा, पूजा वर्मा आपका आंसर आ रहा सी नंबर। ठीक है, देख रहे हम फटाफट, बिल्कुल दिव्या शुक्ला आप भी हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह बिल्कुल सी ही है। लाइकेन, लाइकेन का जब क्लासिफिकेशन किया गया था, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज, ठीक है, तीन इसके जो है तीन भागों में से डिवाइड किया गया था। तो इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर छह की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर छह देखिए क्या कह रहा है। आज मैं इसलिए थोड़े से कमेंट भी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि काफी आप लोगों की शिकायत रहती थी। कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, सर आप नाम नहीं पढ़ते, तो लोग ये नाम भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो सजेशन होगा एक वो बिल्कुल आमंत्रित है आप लोगों के सजेशन में। गोपाल सिंह जी बिल्कुल आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं भाई। ठीक है, एसटीडी क्लास चैनल मोनिका सिंह, मोनिका सिंह आप थोड़े बीच बीच में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या होगा। कह रहा है पेट्राइकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त होते हैं। पेट्राइकोस्पर्मम ये जानते हैं पेट्राइकोस्पर्मम क्या है, एल्गी है। कह रहा है इसमें जो है इसके पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। क्या ग्लोमेरुलस के कारण, कार्टिकेशन के कारण, कि कार्पोगोनिया के कारण, सिस्टोकार्प के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा, हम करेंगे इंतजार आपका क्वेश्चन अर्थात आंसर। नीरज यादव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, नीरज यादव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ग्लोमेरुल। ठीक है, ग्लोमेरुल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, प्राची त्यागी भी जुड़ चुकी हैं जी, बिल्कुल प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सात बड़े आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से देखिए। जी बिल्कुल लाइक एंड शेयर आप लोग देखिए, ये भाई त्यागी जी तो बहुत सपोर्ट करती हैं, इससे मेरा भी दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है। एपोफाइसिस पाया जाता है, एपोफाइसिस किस में पाया जाता है? क्या पाइनस में होता है, कि मॉस में होता है, कि सिलेजनेला में होता है, कि फर्न में होता है, किस में होता है एपोफाइसिस? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद सलीम आपका करेक्ट आंसर है, मोनिका सिंह आपका भी करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल जी बिल्कुल जितने लोगों का जो आंसर आ रहा है बी नंबर बहुत ही सही जवाब है। इसका जो राइट आंसर है वो बी ही होगा, अर्थात मॉस। क्या होगा? मॉस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, कह रहा है कि प्रोटोस्टील पाई जाती है, प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है? कह रहा है लाइकोपोडियम में, इक्विसीटम में, कि मार्सिलिया में, इनमें से किसी में नहीं, इनमें से किसी में नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर क्या है जी? बिल्कुल भाई, अच्छा बिल्लू जी, बिल्लू सब लोगों की जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ए नंबर ही आ रहे हैं, तो ए ही इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब ए ही है, लाइकोपोडियम में। प्रोटोस्टील कहां पाई जाती है? लाइकोपोडियम में पाई जाती है। इसका जवाब ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है, सिलेजिनेला के राइजोफोर में क्या होता है? सिलेजिनेला के राइजोफोर में कह रहा है, तो हिंदिया तो बड़ी जो है दिक्कत वाली है, चतुर्थ द्वियादी दारू का ऐसा लिख दिया है भाई, तो काहे दारू सर आप देख रहे हैं। इसको देखिए, मोनार्च स्टील, डाईआर्च स्टील और ट्राईआर्च स्टील और टेट्रार्च स्टील। ठीक है, ऐसा कह रहा है मोनार्च, डाईआर्च, ट्राईआर्च। अच्छा प्राची त्यागी जी, नाइस एंड सुपर भी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोगों के ही ऊर्जा से हमारी भी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी ऊर्जा से आप लोगों का मतलब कुल मिलाकर रिफ्लेक्शन का काम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन नाइन का क्या आप लोगों के आंसर आ रहा है भाई? नाइन नंबर का मोस्टली जो आंसर आ रहा है आप लोगों के ए नंबर आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल नरेश दत्त जी बिल्कुल ए ही इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, मोनार्च स्टील इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि पाइनस के परागकण का पार्श्व पक्ष है, पाइनस के परागकण का पार्श्व पक्ष क्या है? कह रहा बाह्य चोल है, अरे यार ये चोल ओल दे रहा है, ऐसे नहीं, एग्जाइन, एग्जोइंटाइन, इंटाइन और इंट्यूगुमेंट।
इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? पाइनस के परागकण का जो पार्श्व पक्ष है अर्थात विंग, विंग ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन इज क्या है? एग्जाइन है कि इंटाइन है कि एग्जोइंटाइन है कि इंट्यूबुमेंट्स है? ठीक है, क्या है भाई? आप जानते हैं कि पाइनस का जो परागकण है उसमें विंग होता है, विंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विंग ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन इज एग्जाइन। रिचा सक्सेना जी बिल्कुल करेक्ट, इतना जल्दी आप इतना फास्ट लिख लेती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बिल्कुल स्टाइलिश रविशंकर, बाप रे बाप स्टाइलिश रविशंकर जी। देखिए बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए नंबर है, एग्जाइन। इसका सही उत्तर क्या है? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पेपर सोमनिफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? पेपर सोमनिफेरम का कौन सा भाग? अच्छा के क्लासेस सर नंबर दे दो। अरे भैया नंबर से आप लोग यार बहुत परेशान कर देते हैं मेरे भाई। हम परेशान, देखिए हम अकेले हैं के क्लास जी, सुनिए थोड़ा सा, हम अकेले हैं। अब फोन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो हम पगलिया नहीं जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगी। जो भी आपकी समस्या है सब टेलीग्राम चैनल पे आपकी सारी समस्या समाधान हो जाता है। ठीक है, कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी जोन। बायोलॉजी जोन ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आप लोगों में जो आंसर आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ बहुत फटाफट। संजना पटेल भी जुड़ चुकी है, शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, प्रियंका देवी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो आंसर आ रहा है डी नंबर कि पेपर सोमनिफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है बिना पका कैप्सूल? जी बिल्कुल, अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल इसका सही जवाब है और यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का किस कुल में मायोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? मायोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली? किस कुल में मायोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऐसा कह रहा है कर मालवेसी में कि लिलियेसी में ब्रैसिकेसी में कि रोजेसी में, किसमें होती हैं मायोसिन ग्रंथियां, किसमें पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल आप लोगों के आंसर बी नंबर आ रहे हैं भाई, बी नंबर। बहुत ही अच्छा, आप लोगों की तैयारी जो है ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। ब्रैसिक एसी, वाह क्या बात है, मेरा भी तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, एकदम खुश हो गए भाई। ठीक है, मैंने हमेशा से भी आपको कहा है कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि आप जिसे आप ना कर पाए, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसे आप ना अचीव कर पाए, जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और आप पूरे परिश्रम का अपने 100% लगा दीजिए, उसी से प्यार मोहब्बत सारी बातें कर लीजिए। ठीक है, हमेशा उसी से बातें करिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो देखिए कह रहा महेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का संवर्धन पराग कोष से किया गया है? किस पौधे का संवर्धन पराग कोष से किया गया है? देखिए एंथर्स ऑफ विच प्लांट वेयर कल्चर्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी? कह रहा ओराइजा सेटाइवा, धतूरा एनोक्सिया, कह रहा कैनोट्रोपिस प्रोसेरा, मैंगिफेरा इंडिका? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर में बताइए। हाँ 13 नंबर का बी नंबर, बी आप लोगों के आ रहे हैं आंसर। प्रीति अनुरागी जी आप गोल गोल बना दे रहे हैं भाई। देखिए प्रीति जी आप बिल्कुल, देखिए आप बहुत एक्टिव रहती हैं आप भी। व्योमेश सर तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत सपोर्ट करते हैं व्योमेश सर। ठीक है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ और मैं हमेशा हमेशा से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? धतूरा एनोक्सिया। ठीक है, धतूरा एनोक्सिया इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कहां अधिकतम होती है? देखिए कह रहा है हरे प्रकाश में, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, किसमें होता है? और आज कमेंट ही पढ़ने के बहाने मैं आ गया हूं कि आप लोगों के आज कमेंट ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो एक बहाना है, क्वेश्चन आज बहाना इसलिए कि क्वेश्चन भी आप देखते रहिए, साथ साथ आज हम आपके बात से रूबरू होंगे। प्राची त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड लाइट, रिचा सक्सेना जी थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कहां होती है? लाल प्रकाश में होती है, रेड लाइट में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 को देख लिया जाए। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है,
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है मोनिका जी, बहुत ही अच्छा आपका आंसर है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? मेरा साइट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड की पाइरूविक एसिड, बताइए इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? आप लोग तो बिल्कुल गदर मचा दिए भाई, बहुत अच्छा, दिल खुश हो जाता है जी। बिल्कुल, कुछ लोगों के रॉन्ग आंसर जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के अच्छे क्वेश्चन, अर्थात जो राइट आंसर है, जैसे प्रतिभा सिंह सी नंबर, ठीक है, नम्रता पटेल सी नंबर, अमित सिंह सी, सोनू पाल सी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बहुत अच्छा, इसका जवाब है सी नंबर, पाइरूविक एसिड। क्या जवाब है? पाइरूविक एसिड इसका राइट आंसर है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पाइरूविक एसिड। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है, पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं? पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से जब निकलता है पानी पौधों के ऊपरी भाग से, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं भाई? कह रहा है कि परासरण कहते हैं, स्फीत कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो एकदम सस्ता टाइप का प्रश्न है ना, सस्ता है। चलिए बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चन के जवाब है बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बीलू जी, थोड़ा इस स्पेलिंग आपकी मिस्टेक हो गई भाई, आप लिख दिए, लेकिन आपका जवाब बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका जवाब जो वाष्पोत्सर्जन आ रहा है, ट्रांसपिरेशन, इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपिरेशन। क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल मोनिका सिंह, बहुत ही अच्छा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना गोची मुची टाइप का, कुछ ऐसा आ गया। देखिए कह रहा, किसी विलयक के परासरण विभव को निरूपित करने का संकेत क्या है? किसी विलयक के परासरण विभव को निरूपित करने का संकेत क्या है? The osmotic potential of a solution is denoted by the symbol. कौन सा इसका सही जवाब है? आज देखते हैं इसका सही जवाब कौन लोग बताते हैं भाई। इसका राइट आंसर जी बिल्कुल वेणुपाल, वाह क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा भाई, स्टाइलिश रवि शंकर जी, आप भी, आपका भी जवाब के नंबर। प्रीति जी बिल्कुल जबरदस्त आप लिखती हैं क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, इसका सही जवाब जी बिल्कुल ए नंबर ही है। ठीक है, साई पाई इसका सही जवाब है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा मोनिका सिंह लिखती हैं, सर क्लियर स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे भाई। देखिए हम आपको बता दें, आज बारिश थोड़ा सा चल रहा है और आज हवा का झोंका भी चल रहा है बहुत तगड़ा, आज गर्मी कम है नहीं, आप देखते थे मैं पसीने पसीने से डूब जाता था। ठीक है, कि कहा भी गया है कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सभी सपने कभी अधूरे नहीं होते। ठीक है, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो दोस्त हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इसमें जुटे हुए हैं तैयारी में, तो आधे अधूरे मन से ना जुड़िए भाई। ठीक है, आधे अधूरे मन से आप लोग ना जुड़े, बिल्कुल पूरी तरीके से आप तन्मयता से जुट जाइए, ईमानदारी से जुट जाइए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है, लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी से कौन सा रोग होता है? कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस होता है, ओरिएंटल सोर होता है, डिसेंट्री होता है, कि काला आजार होता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, और देखिए भाई अभी परीक्षा है ना, जिन लोगों के 19 तारीख को एग्जाम है, आप बिल्कुल आप पढ़ने में कोई कंजूसी ना करिए। नहीं, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जब लोग सफल होते हैं, मैं ऑब्जर्व किया हूं, जब लोग सफल होते हैं तो पूरा ढिंढोरा जो पीटते हैं, पूरा श्रेय किसको देते हैं? अपने को देते हैं कि मैंने रात रात भर मेहनत किया था। अरे तो जानते हैं मैं कैसी पढ़ाई किया था, मैं सोता भी नहीं था, ये सफल होने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। शायद कोई बंदा अगर असफल हो जाता है तो पूरा श्रेय जो है हम आपको बता दें अपने ऊपर नहीं लेता, कहीं बताएगा कि हमारा टीचर जो है दोषी है, हमको सही पढ़ाए नहीं, आज मैं उच्च पद पहुंच जाता, कहीं माता पिता को दोष देंगे, कहीं अपने समय को दोष देंगे, नहीं तो अपने भाग्य को दोष देते हैं। जब लोग असफल
असफल हो जाते हैं तब, ठीक है, जब लोग असफल होते हैं तब अपने आप को नहीं बताते कि मैं असफल हुआ तो मेरी गलती है, मैंने मन लगा के नहीं पढ़ा था, वो दोष देना शुरू करते हैं दूसरों पर। जिस समय वो सफल होते हैं अपने आप को बताते हैं कि मैंने मेहनत किया था, ठीक है, तो दोष नहीं देना दोस्त, क्योंकि किस्मत के बारे में मैंने आपको हमेशा से बताया है कि किस्मत के खेल से कभी निराश नहीं होते, किस्मत के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ ही नहीं होते। मेरे दोस्त आप लोग बिल्कुल तन्मयता से जुटिएगा, अपने 100% अपना दीजिए, पूरे 100% दीजिए। इसका राइट आंसर सभी लोगों का जो जवाब आ रहा है सी नंबर ही आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर है, काला आजार सी इसका सही आंसर है, ठीक है, सी नंबर काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी। आगे चलते हैं, देखिए मैंने बताया था कि नहीं समझ में आया तो काला को काली कर लेना ना, आज मैं कुछ विस्तार डिस्क्रिप्शन नहीं, का से कालाजार, ली से लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवानी से क्या होता है कालाजार, मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है चतुर्थक मलेरिया का कारण है क्वार्टर मलेरिया, क्वार्टर मलेरिया किसके कारण होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वार्टर मलेरिया किसके कारण होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। जी बिल्कुल बबलू कुमार जी, जय हिंद जी, बिल्कुल जय हिंद बबलू कुमार जी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब बताएं, ठीक है, देखते हैं। स्टाइलिश रविशंकर बी नंबर आप लिखते हैं, संजना पटेल का आंसर आ रहा है बी नंबर, गोपाल सिंह बी नंबर, ठीक है, और देख लेते हैं कि चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है, चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है, तो सब लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बी नंबर ही आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, जी बिल्कुल बी ही है। आर्यन खत्री का आ गया अगर आंसर तो जी बिल्कुल करेक्ट ही है, क्योंकि आप बहुत ही रेगुलर रहते हैं भाई आर्यन खत्री जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अब तो शुरू करने वाले हैं फुल प्रैक्टिस सेट, फुल एलटी जीआईसी की जो 120 क्वेश्चन आते हैं 80+40, ठीक है, 80 आपके सब्जेक्ट से होंगे प्लस 40 जीएस के होंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाला है जल्द से ही, प्रैक्टिस सेट का तड़का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है समानता लिंग में से किसमें पाई जाती है, फिजन का मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉमन फाउंडिंग किसमें पाई जाती है भाई, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, विखंडन जो प्रजनन की विधि है किसमें पाई जाती है, क्या हेमिनिथ में विखंडन द्वारा होता है, क्या एनीलिडा में विखंडन द्वारा होता है, क्या प्रोटोजोआ में होता है, या उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा। लो भैया एनीलिडा ना आप कर दीजिए, प्रोटोजोआंस जी बिल्कुल, ठीक है, प्रोटोजोआंस चेतना, बहुत ही अच्छा, ठीक है, प्राची त्यागी जी, नीरज यादव, इसका जो राइट आंसर है जी बिल्कुल प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ में किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा ही होता है, इनमें तो ऐसा नहीं कि हम टूट गए मेरा दिल टूट गया तो कई दिल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको भी देखिए। देखिए हम आपको बता दें, हमेशा ऐसे लोगों का साथ रखिए जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपके मोटिवेटर, ना कि आपके जीवन में आपको निराशा पहुंचाते हो, आपको टेंशन देते हो, उनका साथ छोड़ दीजिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि आपको बता दें कि जो सफल हो जाता है, भले आपके पास ग्रुप डी की ही जॉब क्यों ना हो, लेकिन आप सबसे सुपर कहलाते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो सुपर क्या, कोई पूछता भी नहीं है, और बहुत ही सारे विद्वान लोग ऐसे भी हैं जो आज टहल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास ज्ञान की तो बात ही मत करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस दिन उनसे टकराएंगे ना उस दिन पता हो जाता है, लेकिन कुछ तो होता है। लेकिन हाँ, आप मेहनत बिल्कुल करना ना छोड़िए, मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन देखिए लाइक की संख्या कम है और जबकि लाइव की संख्या ज्यादा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए दोस्त, ठीक है, अब आप लोग समझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए करा कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है, एक कोरल रीफ लाइन क्लोज टू द शोर ऑफ सम वोल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल देखिए इसमें प्राची त्यागी जी लिखती हैं, सर आप बहुत सपोर्ट देते हैं, भाई अगर आप भी अच्छे नजरिए से देखेंगे तो हम अच्छे समझ आएंगे, अगर बुरे नजरिए से देखेंगे तो हम बुरे समझ आएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा काम है, हम जितना मेरा फर्ज है मैं उतना करता हूं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा बताते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरा भी मन थोड़ा सा
ज्यादा यानी और बढ़ जाता है कि चलिए कम से कम आप लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा देख लीजिए, बताइए सभी प्रीति अनुरागी जी, और बिल्कुल हम आपको बता दें नाम भी पढ़ ले, प्राची त्यागी जी, मोनिका सिंह, बिल्कुल आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं डी नंबर आ रहे हैं, गोपाल सिंह ठीक है, सोनू पाल डी नंबर, संजना पटेल, आप लोगों के जो आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, तटीय प्रवाल भित्ति डी राइट आंसर है, फ्रिंगिंग रीफ इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, भाई एनस किसमें एब्सेंट होती है, एनस किसमें अब्सेंट होती है यह आपको बताना है, ठीक है, एनस किसमें अब्सेंट होती है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, एनस मतलब सोचिए ब्लाइंड सैक प्लान, मतलब जिससे भोजन लेता उसी से निकालता है, कौन इसमें से है, ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसके राइट आंसर के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, जी बिल्कुल फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म आप लिख ही देते हैं डी नंबर तो वास्तव में डी नंबर ही है, इसका राइट आंसर फ्लैट वर्म, इसका सही जवाब क्या है, फ्लैट वर्म चपटा कृमि में क्या गुदा एब्सेंट होती है, चपटे कृमि में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं, 23 नंबर, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं, ऐसा कह रहा है टेस्टिस ऑकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स, किस खंड में स्थित होते हैं केचुए में वृषण, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं, 11 तथा 12, 12 तथा 13, 14 तथा 15, 10 तथा 11, इसका सही जवाब क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा देखते इंतजार करते हैं, जी बिल्कुल मोहम्मद सलीम, प्रिया सिंह, मोनिका, आर्यन खत्री जी डी नंबर, और बिल्कुल बहुत ढेर सारे टिक के साथ आपने बताया, तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो सही जवाब है आपका डी नंबर इज द राइट आंसर, 10 and 11 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं इससे, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विद, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विथ, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा है उनके जो बाह्य कवच होते हैं किससे ढके होते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन में कह रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या कैल्केरियस सेल्स, काइटिनस क्यूटिकल, दीज की स्मूथ मसल्स, इसका सही जवाब क्या है, हमें है इंतजार आपके जवाब का, ठीक है। प्रतिभा सिंह, संजना, राम सकल सिंह, सॉरी राम रक्षा सिंह, ठीक है, दिनेश कुमार, सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है, जी बिल्कुल, मोनिका सिंह, संजना सिंह, निहारिका, प्रीति जी, आप प्रीति सर 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 प्रीति जी क्या लिखती हैं भाई देख लिया जाए, थोड़ा सा लिखती सर करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं आप, जी बिल्कुल होगी करंट अफेयर की भी क्लास होगी, अभी यही तो मैंने कहा था कि आज मैं इसीलिए आया हूं कि आपके कमेंट्स हम देख पाएं और आपके क्या सजेशन है उसको हम देखें, परीक्षा नजदीक है उसके हिसाब से आपकी क्लास लगाई जाए दमदार तरीके से जिससे थोड़ा आपको फायदा भी हो, तो बिल्कुल होगी क्लास, ठीक है। कोई बता दो टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर, काइटिनी क्यूटिकल होती है, क्या होती है, काइटिनी क्यूटिकल, इसका राइट आंसर है काइटिन होता है, बिल्कुल काइटिन के कारण ही, काइटिन से ही ढका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 नंबर का, उसको भी देख लीजिए, 25 नंबर कर रहा है सुक्ति क्लैंस तथा संघ सभी सदस्य है, अरे भाई ये क्या है मेरे भाई, इसको देखिए, ओइस्टर क्लैंस एंड मसल्स आर बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं ओइस्टर क्लैंस एंड मसल्स, किससे बिलोंग करते हैं, कह रहा है गैस्ट्रोपोडा से, सिफेलोपोडा से, पैलसीपोडा से, कि कह रहा है बाइवेल्विया से, ठीक है। अच्छा पॉलीप्लैकोफोरा यहां लिखा है, मैंने पैलसीपोडा ऐसा नहीं, ये पॉलीप्लैकोफोरा लिखा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा देख रहे हैं, इसका क्या राइट आंसर आता है आप लोगों का, ठीक है, कि वो ओइस्टर है, क्लैंस है एंड मसल्स है, इसके सदस्य हैं, तो आप लोगों को जो आंसर आ रहा है जी बिल्कुल बी नंबर ही आ रहे हैं, जी बिल्कुल आर्यन खत्री जी तो दमदार तरीके से ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर है बाइवेल्विया, क्या है बाइवेल्विया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन, कौन इकाइलोडर्मेटा संघ का प्राणी है,
इकाइलोडर्मेटा संघ प्राणी कौन है? करा सी एनिमोन, सी पेन, सी लिली, सी कुकुम्बुर। इसका सही आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है बताइए। अच्छा ऋचा सक्सेना तो अभी लिख रही हैं, वही अभी पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा इसको देखिए, कौन इकाइलोडर्मेटा संघ का प्राणी है? विच वन ऑफ वन इज एन इकाइलोडर्म? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सी। जी बिल्कुल, आप लोगों का जो आंसर, जिन लोगों का आंसर आ रहा है सी नंबर, सी कुकुम्बर, इनका राइट आंसर है सी। ठीक है, प्रियंका देवी जी भी लगा दी है टिक, मोनिका सिंह भी टिक लगा दी है, सी नंबर सी कुकुम्बर। ठीक है, इज द राइट आंसर सी नंबर। अगर क्वेश्चन 27 नंबर का क्या कहना है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ बनता है, एक्सक्रीटरी पोर, किडनी, रिप्रोडक्टिव पोर्स। इसका सही जवाब क्या है देखिए और बताइए, इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? ठीक है देखते हैं, इंतजार करते हैं। ए ए ए वाह वाह वाह, ठीक है माउथ, निहारिका श्रीवास्तव जी लिखती है माउथ। ठीक है तो देखिए दिव्या शुक्ला जी बिल्कुल माउथ, तो इसका सही जवाब है बिल्कुल ए नंबर ही माउथ। इसका ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मुख बनता है, इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखिए, क्या गैनोइड सब पाए जाते हैं? गैनोइड स्केल आर प्रेजेंटिंग, गैनोइड स्केल किसमें पाए जाते हैं? गैनोइड स्केल किसमें पाए जाते हैं? लेबियो में, एंजुला में, लेपिडोस्टेट सब में, एमिया में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब बताइए क्या है इसका सही जवाब? क्या यह क्वेश्चन आप लोगों ने देखा किसका? जी बिल्कुल, बिल्लू पाल देवेश पांडे। ठीक है ठीक 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 ठीक, चलिए देख रहे हैं भाई आप लोगों का जो सही जवाब आ रहा है, बहुत कम ही लोगों के आ रहे हैं। ठीक है सोनम, इसका आर्यन खत्री जी आप लिखते हैं डी नंबर, बिल्कुल बहुत ही सही जवाब, डी का राइट आंसर है, डी का सही जवाब है। अगर आर्यन खत्री जी देखिए आप बड़े कॉन्फिडेंस में जवाब देते हैं भाई, एकदम नॉटिक लगा देते हैं, इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। ठीक है इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है देखिए इसका सही आंसर क्या है? लेबिलो स्टियस। अगला क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 डक्टस बोटैलिस उपस्थित होता है, डक्टस बोटैलिस इज प्रेजेंटिंग, डक्टस बोटैलिस किस में होता है? राना में होता है कि स्कोरियोडॉन में, क्रेटोडस में, की कराए लिप्डोसाइरन में। इसका सही जवाब क्या है बताइए, किस में होता है? ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। प्राची त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू। क्यों हम थैंक यू कह रहे हैं? क्योंकि आप सपोर्ट की बात करती हैं। क्योंकि देखिए कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है। ठीक है हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है, तो बिल्कुल ये कहावत सही ही है। ठीक है गोपाल सिंह वाह बहुत ही अच्छा भाई। अच्छा बायो का सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मेरठ में, अभी आप लोग ही चर्चा कर रहे हैं कि मेरठ में सभी लोगों का सेंटर गया है। ठीक है जी बिल्कुल, आर्यन खत्री जी ए नंबर, बहुत ही अच्छा आपका जवाब बिल्कुल सही, ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्प के 20 दंत हैं, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर, पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर मैक्सिलरी टीथ, की कह रहा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, की कह रहा है वोमेराइन टीथ, की प्री मैक्सिलरी टीथ। इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब क्या है देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, क्या जवाब आता है आप लोगों का? ठीक है देख लीजिए ऑप्शन एक बार, मैं देखने का आपको मौका दे रहा हूं, देख लीजिए ऑप्शन, फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका सही जवाब बताइए। ठीक है और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही, सभी लोगों के आ रहे हैं। ठीक है प्रतिभा सिंह और बिल्कुल सज्जन खान, बिलू और अर्चना चौहान, ठीक है दिव्या शुक्ला, निहारिका श्रीवास्तव, आर्यन खत्री जी आपका आंसर आ गया बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे। तो आप लोग देखिए इसका जो आंसर है बिल्कुल ए ही है, मैक्सिलरी टीथ इसका राइट आंसर है। क्या है? मैक्सिलरी टीथ इसका सही जवाब है। आज इसलिए मैं आपकी कमेंट पढ़ने बहाने आ गया कि ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो जाए। देखिए अन्य क्लास में क्या है कि मैं इतने जल्द में, मतलब इतने, मैं सोचता हूँ कि कितने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर दे दिया जाए। ठीक है कितने कम समय में। अब महक सिंह बहुत बहुत थैंक यू भाई महक सिंह, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। देखिए मेरा ये रहता है कि कितने कम समय में आपको ज्यादा दे दिए जाए मैटर, और यही पर्पज है
मतलब इसी कारण से मैं आपका नाम डेली नहीं ले पाता हूं, तो शायद अब आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। ठीक है, आप लोगों की शिकायत दूर हुई होगी कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, काफी लोगों के फोन भी आने लगे थे, इस कारण से मैंने ऐसा सिस्टम किया कि आपके नाम भी लेंगे और कुछ काम भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों मैं यही कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सफल हों ताकि मैं भी सफल कहलाऊं। मेरी सफलता आपकी सफलता है, जब आप सफल होंगे तभी मैं भी सफल हूं। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो आज चलिए इस लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।